आप लोग मेरे बात दोहराइएगा, तो बीजेपी से लड़ेंगे, तो आरएसएस से लड़ेंगे। कभी अपने देश में 70 साल में आपने कभी ऐसा देखा? बोलने दीजिए क्या देखा? कभी आपने ऐसा देखा कि देश के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, जिनको आवाम ने चुन के प्रधानमंत्री बनाया हो, वो एक शहर में छुप छुप के चोरों की तरह घूम रहे हो? जो 72 साल में नहीं कर रहा था, एक नारा था बीजेपी का कि जो 72 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने कर दिखाया, और मोदी है तो मुमकिन है। तो मैं मोदी जी को बोलना चाहूंगा कि 72 साल में पहली बार हुआ है, और मोदी है तो मुमकिन है कि देश का प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता। देश का प्रधानमंत्री अपनी जनता की मन की बात नहीं सुनना चाहता। मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आप लोगों से सीखने आया हूँ, क्योंकि आप लोगों ने, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं शाहीन बाग से बस 1 किलोमीटर दूर रहता हूँ, और जिस दिन जामिया के अंदर लाठियां चलाई गई थी, जामिया के अंदर पुलिस ने लाइब्रेरी में घुसकर टेयर गैस चलाया था, हमारे बच्चों को उठाकर ले गई थी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से अंदर, और रात भर पुलिस स्टेशन में रखा था, तो पूरे इलाके में खौफ का माहौल था, पूरे इलाके में डर का माहौल था। उस डर के माहौल को अगर किसी ने तोड़ा तो शाहीन बाग की हमारी माओ ने, बहनों ने, नानियों ने, शाहीन बाग की उन जाबाज औरतों ने तोड़ा। आज जब मैं यहाँ कलकत्ता में खड़ा हूँ, तो दिल्ली के अंदर जो शाहीन बाग है, वहां जो औरतें पिछले 1 महीने से ज्यादा, दिल्ली में बहुत सर्दी है, उसके बावजूद जो यहाँ बैठी हैं और अपनी आवाज बुलंद करी है कि आज शाहीन बाग से वो आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है, आज कलकत्ता से मैं उन शाहीन बाग की औरतों को सलाम करना चाहता हूँ। लेकिन शाहीन बाग अब सिर्फ एक कॉलोनी का नाम नहीं है, शाहीन बाग उस भावना का नाम है, उस उम्मीद का नाम है कि हम लोग चुपचाप जुल्म नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और इसीलिए आज पार्क सर्कस नहीं, ये भी एक शाहीन बाग है, पूरा देश एक बाग है, और हम सब इसके शाहीन हैं, इस बात की हमको अहद करनी है। इंशाल्लाह मुझे इस बात की बहुत खुशी है, इस बात से मैं बहुत इमोशनल हूँ कि इस लड़ाई की पहल कदमी जो एनआरसी सीएए मुसलमानों के अंदर से, इस लड़ाई की पहल कदमी मुसलमान औरतें कर रही हैं, क्यों क्या कुछ नहीं बोला जाता, ये बोला जाता है कि मुसलमान कुछ ज्यादा ही अपने औरतों पर जुल्म करते हैं, ये बोला जाता है कि मुसलमान औरतों को, खवातीनों को जो इस दुनिया में क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं पता, ये बोला जाता है कि मुसलमान अपने औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, काम पे नहीं जाने देते। आइए मोदी साहब, आइए आप इस पार्क सर्कस में आइए, जाइए शाहीन बाग में जाइए, क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई है आपको सामने में दिख जाएगी। नरेंद्र मोदी साहब अपने आप को बोलते हैं कि वो मुसलमान औरतों के, मुसलमान बहनों के रहनुमा हैं, ये बोलते हैं कि ट्रिपल तलाक का कानून वो मुसलमान खवातीनों के लिए, मुसलमान महिलाओं के लिए लेकर आए हैं, मुसलमान महिलाओं को बचाने के लिए लेकर आए हैं। ये वही इंसान है
जो पिछले तीन साल से ज्यादा हो गए हैं, आप लोगों को पता होगा मेरी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट हुआ करता था नजीब अहमद, आप लोगों को याद है? जी जी याद है। इनके गुंडों ने नजीब को मारा, नजीब को पीटा, कई सारे लोगों के सामने नजीब को जान से मार देने की धमकी दी। अगले दिन नजीब अहमद गायब हो गया। अक्टूबर 2016 से लेकर आज तक उसका कोई पता नहीं है। उसकी माँ दर दर ठोकरे खा रही है, जगह जगह उसको पुलिस उठा के ले जाती है, डिटेन कर लेती है, उसके घर में पुलिस रेड करी जाती है, उस औरत के ऊपर केस लगाए जाते हैं, उसके बावजूद वो आज लड़ रही है। लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र भाई जो अपने आप को मुसलमान औरतों के भाई बोलते हैं, उनको जरूरत महसूस नहीं हुई कि किसी तरीके से नजीब अहमद के परिवार के बारे में कुछ बोले, नजीब अहमद के परिवार से कुछ मिले। ये वही इंसान है जो आज अपने आप को मुसलमान औरतों का रहनुमा बोल रहे हैं। जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के 2002 में, कितनी सारी सैकड़ों मुसलमान महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। एक कहानी आपने सुनी होगी बिल्किस बानो की, एक 19 साल की औरत थी, उसको उसके पूरे परिवार को गुंडे घसीटते हैं, उस समय जब दंगा हो रहा था, घसीटते हैं उसके आंखों के सामने, उसके 14 परिवार वालों को मार देते हैं, उसके 3 साल के बच्चे को मार देते हैं, वो प्रेग्नेंट थी, उसके साथ गैंगरेप किया जाता है। 2002 और आज 2020, आज तक नरेंद्र मोदी एक बार भी बिल्किस बानो से नहीं मिले। वो अकेले अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ी, अकेले लड़ी, और नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने, चाहे जब वो मुख्यमंत्री हो या बाद में प्रधानमंत्री बने हो, बार बार बिल्किस बानो के इंसाफ की लड़ाई में बाधा डाला। हम जानते हैं एहसान जाफरी को किस तरीके से एक इंसान को खुलेआम दिन दहाड़े मार के काट के जला के फेंक दिया गया था। ज़किया जाफरी अकेले इंसाफ की लड़ाई लड़ती रही, एक बार भी ये मुसलमान औरतों का अपने आप को भाई कहलाने वाला नरेंद्र भाई एक बार भी एहसान जाफरी की बीवी ज़किया जाफरी से एक बार भी नहीं मिले। तो आप लोगों ने एक मैसेज नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंचा दिया है कि नरेंद्र मोदी, मुसलमान महिलाओं को नरेंद्र भाई की कोई जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमें ऐसा नफरत खोर भाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमें ऐसा दंगा भड़काने वालों को सुरक्षित करने वाला भाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम नहीं मानते कि जो नरेंद्र मोदी अपने आप को मुसलमान औरतों के रहनुमा बोलते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ये बात आप लोगों ने पहुंचाई है उनकी तरफ। मेरी तरफ से मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है।